नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। टेरर फंडिंग मामले को लेकर देश भर में एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां से पीएफआई के अध्यक्ष परवेज और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पीएफआई के राष्ट्रीय सचिव वीपी नसरुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि एनआईए की टीम इन्हें अपने साथ लेकर गई है और देश के 11 राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि छापेमारी के दौरान एनआईए और ईडी ने आतंकियों के कथित तौर पर समर्थन करने के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लगभग 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी मुख्यतः दक्षिण भारत में की जा रही है और एनआईए ने इसे अब तक का सबसे बड़ा जांच अभियान करार दिया है। एनआईए ने कहा है, आतंकवादियों को कथित तौर पर धन मुहैया कराने और उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और लोगों को प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ने के लिए बरगलाने में शामिल लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं पीएफआई ने एक बयान जारी कर कहा है कि पीएफआई के राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय नेताओं के घरों पर छापेमारी की जा रही है और राज्य समिति कार्यालय में भी छापेमारी की जा रही है। वहीं आंध्र प्रदेश में 5, असम में 9, दिल्ली से 3, कर्नाटक से 20, केरल से 22, एमपी से 4 और महाराष्ट्र से 20 गिरफ्तारियां हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में भी एनआईए की रेड हुई है, जिसमें पीएफआई के मध्य प्रदेश के स्टेट लीडर को हिरासत में लिया गया है और इनमें 4 लीडर को मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर से एनआईए ने हिरासत में लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के ठिकानों से टेरर फंडिंग का हिसाब किताब और साहित्य भी बरामद किया गया है। वहीं दिल्ली के साइन बाग और गाजीपुर से भी पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा लखनऊ के इंदिरा नगर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि देर रात शुरू हुई ईडी, एनआईए और राज्य की पुलिस संयुक्त ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि पीएफआई से जुड़े लोगों पर कार्रवाई के बाद बेंगलुरु और मंगलुरु में एसडीपीआई और पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।